नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। जिस गृह विभाग के पास राज्य के पुलिस तंत्र को चाक चौबंद रखने और भ्रष्टाचार मिटाने का जिम्मा होता है, उस विभाग का ही कार्यालय अधीक्षक अब भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में आ गया है और उन पर पुलिस अफसरों ने ही गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है वो गंभीर आरोप, दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आज बात करेंगे पशुधन की, जिसे लेकर पशुपालक और उसके रखवाले और ग्रामीण परेशान है क्योंकि वो उनकी आंखों के सामने दम तोड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। संकट में पशुधन है और पशुपालन विभाग अपनी लाचारी दिखाने में ही व्यस्त है। सीमावर्ती जिले जैसलमेर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों पशुओं में फैल रही अज्ञात बीमारी कर्रा रोग के कारण कई पशु काल का ग्रास बनते जा रहे हैं। पशुओं में फैल रही कर्रा रोग को लेकर जहां एक ओर पशुपालक चिंतित दिखाई देते हैं तो वही दूसरी ओर चिकित्सा विभाग का इस पर कोई ध्यान ही नहीं है। पशुधन संकट में है और विभाग सिर्फ अपनी लाचारी दिखा रहा है। जाहिर सी बात है, विभाग की गंभीरता ना दिखाने से उन पशुपालकों और ग्रामीणों में रोष देखने को मिल रहा है जिनके पशु उनकी आंखों के सामने ही मर रहे हैं। चलिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जैसलमेर जिले से 32 किलोमीटर दूर काठोड़ी गांव की सरहद में प्रवेश करते ही मृत पशुओं की बदबू ऐसी कि गांव में जाने की हिम्मत ही कोई जुटा पा रहा है और वहाँ का दृश्य कुछ ऐसा कि जगह जगह मृत गायों के शरीर ही नजर आते हैं जो कंकाल में तब्दील हो चुके हैं। गांव वालों के अनुसार यहाँ हर रोज 2 से 4 गाय मर रही है। यहाँ पिछले 2 महीने में अब तक 500 गाय मर चुकी है और अब यहाँ पशुधन संकट में आ गया है। लगातार मर रहे पशुधन को लेकर पशुपालकों में चिकित्सा विभाग के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है और पशुपालक विभाग कागजी खाना पूर्ति कर अपने काम को ऐतिश्री करने में जुटी है और ग्रामीणों को संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा। इस मामले को लेकर मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद पशुपालन विभाग और प्रशासन हरकत में आया। उन्होंने पशुओं की सुध ली और जैसलमेर शहर से 32 किलोमीटर दूर काठोड़ी गांव में इलाज करने के बजाय घर घर जाकर गायों के मरने का सर्वे किया और विभाग ने ग्रामीणों को छुटलाकर 133 मृत गायों की रिपोर्ट बना दी और अपने काम पर वही ब्रेक लगा दी। लेकिन मामला बेहद गंभीर है क्योंकि हर साल हजारों की तादाद में पशुधन यहां मर रहा है और जो रोग सामने आया है वो है कर्रा रोग, जिसे हर साल 3,000 पशु मर रहे हैं लेकिन इनके पास इसका कोई इलाज नहीं है और अपने काम को लेकर पशुपालक विभाग लाचार दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पशुपालक विभाग केवल खाना पूर्ति कर रहा है, हमारी रोजी रोटी संकट में आ गई है और सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सर्वे करवा रही है। सरकार के पास किसी भी प्रकार का कोई इलाज नहीं है, हमारे पशु हमारे सामने मर रहे हैं और पशुपालक विभाग संतोषजनक जवाब ना देकर कह रहा है कि इसका कोई इलाज नहीं। हमारे गांव में 2-3 महीने से बीमारी चल रही है जिसको सरकार असाध्य बता रही है। वो कहते हैं कोई टीका डेवलप नहीं हुआ। करीब 500 गायें मौत के मुंह में जा चुकी है और हालात यही, जैसे मैं मेरी बात करूं तो मेरे 2 भाइयों में भी 8 गायें आज अभी तक मर चुकी है। हमारा मेन आधार या तो कृषि है या पशुपालन है। वैसी हालत में एक आम आदमी की क्या हालत होगी आप स्वतः अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन सरकार कुछ भी दावा करें लेकिन ये हकीकत है कि 500 गायें और पशुएं मरे हैं। जब फर्स्ट इंडिया ने इस पूरे मामले को लेकर पशु चिकित्सा विभाग अधिकारी से बात की तो पहले तो वो अपनी बात से भागने लगे और जब हमने गंभीरता से सवाल किया और इस मामले में जानना चाहा तो उनकी बात से लाचारी साफ दिखाई दे रही और वो किसी भी प्रकार से इस बात को लेकर चिंतित नजर नहीं आए। उनका कहना था कि जैसलमेर जिले में हर साल कर्रा रोग का प्रकोप रहता है, हर साल हजारों की संख्या में गायें भी मरती हैं, लेकिन कभी आपदा के कारण ज्यादा गायें मरती हैं और इस रोग का कोई इलाज भी नहीं है। जैसलमेर जिले में प्रत्येक वर्ष कर्रा रोग का प्रकोप रहता है और यहाँ पर इस केसेज में जैसलमेर में कई गांवों में गायें कर्रा रोग के कारण मर जाती हैं।
लेकिन कभी की कोई गांव में आउटब्रेक के रूप में ज़्यादा संख्या में गायें मर जाती हैं। जैसे कि अभी काठोड़ी गांव में 133 गायें मर गई, घर घर सर्वे करवाया, उसके बाद में मालूम चला कि 133 गायें कहने का तात्पर्य जो मृत पशु मर जाता है उसको गाड़ देना चाहिए, उसको खुले में छोड़ना नहीं चाहिए। देखा जाए तो पशुपालक विभाग साफ तौर से खाना पूर्ति कर इलाज न होने का बहाना कर बस कागजी खाना पूर्ति करता हुआ ही नजर आ रहा है। हालांकि विभाग ये कहता है कि हर साल कर्रा रोग से हजारों गायें मरती हैं और ये बात मानता भी है, लेकिन इतने सालों से रोग का इलाज क्यों नहीं किया गया, ये सवाल खड़ा होता है। जानकारों की माने तो ये रोग केवल जैसलमेर जिले में ही कई सालों से हो रहा है और हजारों गायें काल का ग्रास बनती जा रही है, लेकिन मामला बेहद संवेदनशील हो चुका है और सवाल भी खड़े होते हैं कि यदि विभाग ये गांव के सर्वे में 133 गायों की मौत इस रोग से बता रहा है तो पूरे जैसलमेर में इस रोग से कितनी गायों की मौत होती होगी, इसका जवाब वो नहीं दे पाते। वहीं जानकार बताते हैं कि इस रोग का इलाज ऑस्ट्रेलिया में है और वहां इसका टीका भी बनाया गया है। यदि सरकार ये टीका उपलब्ध करवाती है तो हजारों पशु बचाए जा सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ ये भी बता दें कि ये रोग अब जैसलमेर से बाहर निकलकर अन्य जिलों की गायों में भी फैल रहा है और अगर समय रहते नहीं चेता गया तो गायों के इस रोग से मरने का आंकड़ा लाखों तक पहुंच जाएगा और हमारे पशुधन के साथ हम भी संकट में पड़ जाएंगे। जैसलमेर संवाददाता सूर्यवीर के साथ पूनम शर्मा, फर्स्ट इंडिया। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि ये कर्रा रोग आखिर इन जानवरों में फैलता कैसे है, इसके लक्षण क्या है और बचाव कैसे किया जाए। जरा ये रिपोर्ट देखिए। जानकारी के अनुसार गर्भवती गायों और कमजोर पशुओं के शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाने के कारण गाय मृत पशुओं के हड्डियों को चाटने लगती है। इसी दौरान मृत पशु के शरीर पर लगा रक्त और मांस का टुकड़ा पेट में चले जाने से गायों में लकवा और कर्रा रोग हो जाता है। रोग हो जाने के बाद इसका देश में कोई उपचार संभव ही नहीं है। लक्षणों की बात करें तो गायों के आगे के जो पैर हैं उनमें जकड़न आ जाती है, इससे उसका चलना फिरना बंद हो जाता है। गायों के मुंह में सूजन आ जाने से, लार पड़ने से बेचारा पानी छोड़ देती है और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है। बचाव की बात करें तो ग्रामीणों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने मृत पशुओं को जमीन में ही गाड़ें। इसके अलावा वो दूर जाकर गांव से मृत पशु को डाल सकते हैं, वहां पर जाके उसे दफना सकते हैं। यही नहीं, उसके चारों तरफ तार बंदी करें, इससे बचाव संभव है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सूर्यवीर जैसलमेर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सूर्यवीर, यहां पर अधिकारी आते हैं, सर्वे कराते हैं, लेकिन उनके आंकड़े जो हैं वो यहां पर जो कि ग्रामीण कह रहे हैं उनसे बड़े अलग यहां पर नजर आते हैं, लेकिन जो सच्चाई सामने आई है, फर्स्ट इंडिया ने भी पूरे तरीके से इस रिपोर्ट को देखा है, उसके बाद जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले सामने आए। फिलहाल ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं और सच्चाई क्या कुछ निकल कर आ रही है? जी पुनः मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जो गो माता हमें दूध देती है, जिस गो माता के कारण ही इंसान दूध पीकर बड़ा होता है, उस तरह वो गो माता इन दिनों गो मालिकों के सामने, गो पशुपालकों के सामने तड़प तड़प कर मर रही है और इसको लेकर पशुपालन विभाग मुख दर्शक ही बना रहा है, क्योंकि जो टीका होता है जो ऑस्ट्रेलिया में उपलब्ध है वो भारत में उपलब्ध नहीं है, तथा पशुपालन विभाग का कहना है क्या यह इलाज बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन पशुपालन विभाग जो जो आंकड़े दिखा रहा है कि जब हमने लेकर पशु ग्रामीणों की गाय मरी तो उनके आंकड़े देखे तो ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि हमारे 350 से अधिक गाय मर चुकी है, लेकिन जब खबरें दिखाने के बाद जब प्रशासन मौके पर पहुंचा तो उनका एक आंकड़ा अलग ही आया। उन्होंने कहा है कि 133 ही गाय मरी है, तथा इसको लेकर नया रिपोर्ट कार्ड तैयार किया। इसको लेकर हमने फिर ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों ने कहा जो ये तैयार की गई है ये बिल्कुल गलत रिपोर्ट है, क्योंकि एक ही घर से अगर 5 या 7 गाय मरती है तो 100 से ज्यादा घर है गाँव के अंदर, और जिस तरीके से एक गाय होती है, गाय की हम सेवा करते हैं ग्रामीणों का कहना है, तो उस गाय के पैसे का हम कहाँ लेकर रखेंगे। लेकिन जब ये रिपोर्ट तैयार करके प्रशासन 133 कागजों में ही दफन कर रही है, क्योंकि जो जी पुलिस
वहीं दूसरी तरफ काठोड़ी गांव का ही पूरा मामला सामने आया, जिसकी रिपोर्ट यहां पर तैयार की गई। क्या दूसरे गांव जो है इसकी चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि ये भी अभी सूत्रों से मिली जानकारी थी कि सिर्फ यही जैसलमेर नहीं, अब अन्य जिलों के गांवों में भी ये रोग और लक्षण जो है वहां के जानवरों में भी नजर आने लगे हैं। तो यहाँ के काठोड़ी गांव के आसपास के गांवों के क्या हालात हैं? जी पूनम, जिस तरीके से बता रहे, जब हमने काठोड़ी गांव के ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने का कहना है यहाँ पर 200 से 250 मकान है तथा 1500 से 1600 गाय हमारे वहाँ पान पर यहाँ पाली गई है तथा पशुपालन कर रहे हैं। लेकिन जब पशुपालन करा रोग उन्हें लगातार बढ़ता जा रहा है तथा 500 से अधिक गाय मर चुकी है। लेकिन जब ये बात अगर 133 जो आंकड़े दिखाए हैं तो 133 के आंकड़े एक गाँव के हैं। अगर विभागीय सर्वे पूरा अगर गाँव गाँव हर पंचायत का करे तो अलग अलग आंकड़े आएंगे, क्योंकि हर विभाग जिस तरीके से कह रहा है फिलहाल कैसी स्थिति वहां पे बनी हुई है। राजू राम जी, स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया में। राजू राम जी, यहाँ पर बड़ी परेशानी सामने आ गई है, कर्रा रोग से गायें मर रही है, फिलहाल आप क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले पर? ये तो 1000 घर की 200 घर की आबादी है जी, और उसमें कम से कम 1500 पशुधन में 500 पशुधन मर चुका है जी। सरकार की ओर से कम तक कोई प्रयत्न नहीं था। कल ये लोग प्रशासन के लोग आए थे और कल उन्होंने कुछ औपचारिकताएं पूरी की है, ठीक है। सरकार तो आंकड़े बता रही है, बिल्कुल कम बता रही है, झूठ बोल रही है, अपनी नाकामियों को छिपा रही है, वास्तव में 500 आंकड़े हैं। क्या लगता है आपको ऐसे क्यों छिपा रही है, क्या वजह हो सकती है? वो अपनी विफलता को जानबूझ के छिपा रही है। पहले तो बीमारी सामने नहीं आ पा रही थी जी। कल हमने मांग की थी कि किसी पर जवाबदारी थोपनी चाहिए, यानी जवाबदारी शिफ्ट करिए कि आखिर आपका प्रशासन पूरा गांव में ऐसी घटना क्या हो गई। बिल्कुल राजू राम जी, पहले बीमारी भी समझ नहीं आ पा रही थी, अज्ञात बीमारी का कुछ पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन अब कर्रा नाम इसका सामने आ गया है, जिसका इलाज अपने देश में नहीं है लेकिन बाहर विदेश में इसका टीका मिल सकता है। तो ऐसे में असंभव यहाँ पर प्रयास प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन क्या दूसरे कोई वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं, कोई कैंप लगाए गए हैं या कोई इलाज इसमें शुरू करवाया गया है? नहीं, कोई कैंप नहीं लगाया है, उन्होंने कंप्यूटर को कल स्थाई वहाँ भेजा है वहाँ जी, लेकिन वो करे हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। हम निवेदन करेंगे आपकी सरकार के लिए, हम चांद पर जा रहे हैं लेकिन उससे हमको क्या मतलब है? जब आप सितम साल में टीका तैयार नहीं कर पाए एक रोग के लिए तो फिर उसे क्या उचित रहेगा? कोई दूसरे इंतजाम नहीं करवाए ये? कोई दूसरे इंतजाम नहीं किए, पशुओं के अस्पताल इन्हें नहीं भेजा गया, इलाज वहीं घर पर ही नहीं शुरू करवाया गया, दवाइयां यहां पर नहीं भेजी गई पशुओं के लिए? सिर्फ कल उन्होंने दवाइयां उपलब्ध कराई है जी, कल उन्होंने लेबोरेटरी में वो सैंपल लेके गए हैं। अब कर्रा रोग है या क्रोन रोग है तो उसका क्या पता लगेगा जी। चलिए, शुक्रिया राजू राम जी तमाम जानकारी देने के लिए। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जो बचाव आप अपने स्तर पर कर सकते हैं वो सिर्फ उतना करिए, क्योंकि फास्फोरस की कमी होने से शरीर में जो गाय हैं वो मृत पशुओं की हड्डियों को चाटने लगती है, जिससे उसमें लगा हुआ खून और मांस के जो टुकड़े हैं वो शरीर में चले जाते हैं और उसके बाद से लक्षण जो है वो कर्रा रोग के सामने आते हैं और उसके बाद गायों की मौत हो जाती है। और इसलिए खुद के स्तर पर आप बचाव कीजिए, जो मृत पशु हैं उसे जमीन में गाड़िए। फर्स्ट इंडिया भी आपसे यही कहते हैं, इसी से आप खुद बचाव कर सकते हैं और अपने पशुओं को बचा सकते हैं। प्रशासन जो मदद करेगा वो करेगा। वहीं हमारे साथ हमारे संवाददाता सूर्यवीर भी जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी हमने उनसे ली और फिलहाल तस्वीरें जो है आप जैसलमेर की देख सकते हैं, सिर्फ अभी एक गांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हालात और भी भयावह हो सकते हैं अगर प्रशासन सही समय पर नहीं चेतता। तो हर साल इस रोग से हजारों गायों की मौत हो जाती है, हर साल ये समस्या बनती है, शिकायत के लिए आवाज भी उठती है लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद बात गृह विभाग पर दाग की।